पुलिस कर्मी अपने कर्तव्य को निर्वहन के साथ अपने आप को भी सुरक्षित रखें। डॉक्टर विनोद मिश्रा, कोरोना वायरस से लड़ाई एवं आमजन को सुरक्षित रखने के आपके कर्तव्य के साथ में आप लोगों का सुरक्षित रहना और भी अधिक आवश्यक है। आमजन की सुरक्षा के साथ आप स्वयं भी सुरक्षित रहने की समस्त सावधानियों को बरतेंगे। उक्त बातें डॉक्टर विनोद मिश्रा ने थांदा थाना परिसर में SDOP MS कबली, थाना प्रभारी मीणा, SI जगदीश नायक, SI सैन व समस्त थाने के पुलिस कर्मियों को बताई। जिले के समस्त पुलिस थाने व चौकियों पर पुलिस बल को कोरोना वायरस से बचाव एवं उससे सुरक्षा के उपाय बताने हेतु टीम बनाई गई, जिसके दौरान डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि ड्यूटी के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से मिलते समय मास्क अवश्य लगाएं, हाथों में ग्लव्स पहने या यथासंभव उनसे कुछ दूरी बनाकर रखें, अपनी ड्रेस को भी बदलते रहें, ड्यूटी के दौरान कई बार अपने हाथों को सैनिटाइजर से धोएं। उक्त समझाइश देने पहुंचे दल में पुलिस हॉस्पिटल झाबुआ के डॉक्टर मधुर सिंह चौहान, आरक्षक 174 सीताराम, 109 दिनेश, 154 प्रधान आरक्षक विजय उपस्थित रहे। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो निकालते हैं वही ले रहे हैं, तो हमारा हमको उसमें लेजीपन आएगा, सिर में दर्द होगा, काम करने की थकावट महसूस होगी। अगर जब तक हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो हमें शरीर में थकावट रहेगी, इम्यूनिटी पावर कम होगा। तो मास्क ऐसे व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए जिसको कि ये इन्फेक्शन है, और इसको लगाओ, यूज एंड थ्रो। अगर मास्क लगाना जरूरी है तो आप, अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसको यूज करके थ्रो खरीद सकें, तो आप कोई कॉटन भी, ये अपने जो रुमाल है जो कुछ उनको लीजिए, डेली वॉश कीजिए। उस मास्क को 15 मिनट तक उबलते हुए पानी में खौलाएं, और खौलाने के बाद सुखा कर उसका यूज करें शाम को फिर। एक बात, दूसरी बात हमें बचने के लिए है, हम जो कपड़े पहने सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको केवल कई चीज़ से देखा जा सकता है इन्फेक्शन। हमारे कपड़े हम दिन भर से पहने इन्फेक्टेड, कितने लोग कंधे में हाथ रखें, कितने लोग हमारे उसमें हाथ रखें, अब वो ऑलरेडी इसमें जिसको कोरोना हो गया होगा तो चिपक जाते हैं, कोरोना तो ऐसा है कि टच करो तो हो जाते हैं, तो हम फिर उठा के दूसरे दिन फिर ये पैंट पहन लीजिए। तो ये डेली चेंज, अभी इस समय अगर हम जो कपड़े यूज कर रहे हैं उनको डेली वॉश करना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए, हमें वही कपड़ा पुराना कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। हम घर में जाएं, घर में घुसने में जूते चप्पल उठाने के बाद अपने हाथ को जब सबसे पहले अपने घर में जाएं तो अपने हाथ को साफ करें, साबुन पानी से धोने के बाद हम दूसरी चीज़ों में हाथ लगाइए, नहीं कि हम जाने के बाद वहाँ गए और जूता उतारे, जूता उतारते लेट गए और बैठ गए सोफा में। ये भी एक अपने को स्टेलाइजेशन की जरूरत है। हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ से गए वहाँ तक, हम तो सैनिटाइज लगाए, हम तो मास्क लगाए, वहाँ गए घर में गए, अब 50 लोगों से मिले, वही कपड़ा पहने, सोफा में बैठ गए, अब सोफा में बैठ गए तो उसमें अगर है तो भी इन्फेक्शन तो पूरे बाजार में घूम के आए तो हमको तो लगे। तो सबसे पहले चीज़ कपड़े ऊपर उतारें, उनको यूज करें और अपने हाथ को साफ करें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये सावधानी अपने को बरतना जरूरी है, अगर ये सावधानी हम बरते हैं ठीक हो जाएंगे। बाकी मास्क लगाने भर से ये नहीं होता, तो हमें ये होना चाहिए किस प्रकार से हमें सर, मैं देर लाया तो चला ही नहीं, देर इलाके में जाएँ तो हम मास्क लगाएं। लेकिन मास्क जैसे बताया, मैं आपको पहले बताया सर, बाद में आए तो बताया था, मास्क का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये मास्क जो हम लगा रहे हैं सर, ये पूर्ण रूप से गलत है, इफेक्टिव है। ये मास्क जो है अपन जो लगाते हैं, इसका काम है कोई यूज एंड थ्रो, दूसरे दिन इस मास्क को यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने परिवार के साथ हैं, आपको मालूम है कि PI साहब और SDOP साहब, ये इनको खांसी नहीं है, इनके पास रहने से मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। मास्क अनजान व्यक्ति के साथ जिसको हमको नहीं मालूम है कि आदमी खांसी है, कहीं वो छींकते समय न लगा, मास्क उसको लगाने की जरूरत है, उसको एडवाइस करें कि अगर किसी को सर्दी खांसी ठीक है तो मास्क लगे। मास्क लगाने से अपने नुकसान भी होगा, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें एक तो शुद्ध हवा नहीं मिलती, हमारा ये जो मास्क जो है इन्फेक्टेड है, हम अगर मास्क लगाएंगे तो हमारी एक प्रवृत्ति होती है कि